मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमको एक और मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। इस तरह की सभाएं बहुत सारे लोगों की मेहनत के कारण सफल होती हैं, कई लोगों का इसमें योगदान रहता है। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं कि इस सभा में प्रभु ने भाई जेफरी से लेकर पीछे जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग दिए हैं जो ऐसे समर्पण के साथ ये कार्य करते हैं। पिछले अगस्त महीने से हम लोग प्रभु के वचन को बहुत ही सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते आए हैं। इस अध्ययन के लिए पवित्र बाइबल, इस महान ग्रंथ का उपयोग करते हैं, जो पहली बार प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल को प्रभु की प्रेरणा के द्वारा 40 के करीब लेखकों ने 1500 वर्ष के अंतराल से लिखा था। तो जरा सोचिए, 1500 सालों में जो ग्रंथ 40 लेखकों के द्वारा लिखकर हमारे पास पहुंचाया गया, वो कितना महान ग्रंथ होगा। और यदि हम उसको श्रद्धा से सुने, भक्ति के साथ सुने, तो उस महान ग्रंथ के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कितना अधिक बदलाव कर सकते हैं। हर हफ्ते इस तरह से जो अध्ययन हम करते आए हैं, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आज से हजारों साल पहले प्रभु ने इस विश्व की सृष्टि की थी। ना केवल विश्व की सृष्टि की, पृथ्वी में पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और जल में रहने वाले जल जंतु सबकी सृष्टि की। और प्रभु ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। और तब सृष्टि में सबसे ऊपर प्रभु ने जिसको ठहराया, मनुष्य, उसकी सृष्टि की। मनुष्य को ना केवल प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, बल्कि मनुष्य की जरूरत की सारी चीजें दी। और उसको एक बात याद दिलाई प्रभु ने कि देखो, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना। जब प्रभु ने तुमको सब कुछ दे दिया है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि प्रभु के प्रति भक्ति के साथ जीवन बिताओ। प्रभु जो कहते हैं उसको मानो। लेकिन मनुष्य को जब सब कुछ मिल गया, तब मनुष्य ने पहला काम क्या किया? ईश्वर के विरुद्ध लंघन किया, और इस तरह से मनुष्य पापी बन गया। मनुष्य जन्म से ही पापी है। इस कारण बच्चों को ना तो झूठ बोलना सिखाना पड़ता है, ना चोरी करना सिखाना पड़ता है, ना मारपीट करना सिखाना पड़ता है। बच्चे ये सब अपने आप करते हैं। ये बात मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं और आप ये भी जानते हैं कि जब अपन स्कूलों में जाते थे, बिना बात के दूसरे लोग हमसे झगड़ा करते थे, मारपीट के लिए तैयार हो जाते थे। ये सब मनुष्य के पाप को दिखाता है। लेकिन प्रभु ने एक परिवार को सेलेक्ट किया कि उस परिवार के द्वारा मनुष्य के लिए मुक्ति का, नए जीवन का या प्रभु के पास जाने का अवसर मिल सके। उस परिवार का इतिहास हम कई महीनों से देखते आए हैं, जिसमें एक महान अगुए के बारे में हम पिछले 2-3 संडे से सुनते आ रहे हैं। उस अगुए का नाम था मूसा। मूसा को मिस्र देश की, जो उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, उसकी राजकुमारी ने अपना बेटा मानकर पाला था। मिस्र इतना शक्तिशाली देश था और इतना धनी देश था कि पिछले दिनों मिस्र देश का एक पिरामिड जब खोला गया, तो उसमें कई टन
सोना निकला। हम जानते हैं इन दिनों 1 किलो सोना 40 लाख रुपए का आता है। 1 टन का मतलब है 1000 किलो। और पिरामिड और त्रिकोणनुमा जो बिल्डिंग्स इजिप्ट में होते हैं, उसमें सिर्फ शुद्ध सोने के कई टन सामान निकला। सिर्फ एक राजा की संपत्ति थी, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिस्र देश के जो बादशाह लोग थे वो कितने शक्तिशाली थे। उस बादशाह के महल में 3 साल की उम्र में मूसा को ले जाया गया और अगले 37 साल उस महल में सर्वोत्तम कपड़ा, सर्वोत्तम भोजन और उस देश के जो सर्वोन्नत टीचर्स थे वो दिए गए। लेकिन मूसा इस बात को जानता था कि उसके माँ बाप के परिवार के लोग उस देश में गुलाम हैं और उनको किसी ना किसी तरह से छुड़ाना है। और जब वो 40 साल का हुआ तो बाहर गया ये देखने के लिए कि मेरे लोग वो कहाँ हैं। लेकिन जल्दबाजी में उससे गलती हो गई और उसने एक मिस्री आदमी को मार डाला। अगले दिन ये सारी बात फैल गई और इसके बाद जीवन बचाकर मूसा वहाँ से भाग लिया। मूसा 40 साल तक भेड़ बकरी चराता रहा। जो आदमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में पैदा हुआ था और महलों में पला था, 40 साल भेड़ चराए, कैसी बात है। मैं एक बात आपसे पूछूं, मान लीजिए मैंने अपने बेटे को MSc तक पढ़ाया, MSc करने के बाद या तो बैंक में या किसी इस तरह की नौकरी को ढूंढने ढांढने के बदले यदि वो कहे कि डैडी मैं तो एक काम करूँगा कि सड़क पे खड़ा रहूँगा, यहाँ जितने कार यहाँ ट्रैफिक लाइट पे आते हैं मैं उनके ग्लास की सफाई कर लिया करूँगा और जितना पैसा मिले वो मैं ले लूँगा, आपको अच्छा लगेगा क्या, आप स्वीकार करेंगे क्या। नहीं, इसलिए बच्चे को नहीं पढ़ाया है कि वो सड़क पर खड़े होकर उस सड़क पर जाने वाले लोगों की गाड़ी साफ करे। मूसा की स्थिति 40 साल ऐसी ही थी। जो मिस्र देश का राजकुमार था 40 साल दुनिया के सबसे मूर्ख जानवर को चराता रहा। मैंने याद दिलाया था जीवन में हर एक को चॉइस करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, गलत चॉइस ना करें। लास्ट हफ्ते हमने देखा था कि जब वो भेड़ बकरी चरा रहा था तो एक बहुत बड़े पेड़ में आग दिखाई दिया और कोई भी आदमी जो कि इस तरह के इलाके में पला है वो इस बात को जानता है कि जब आग धधक कर जलती है तो हरे पत्ते हरे पेड़ को बहुत ही थोड़े से समय में बिल्कुल राख कर देती, इसीलिए जंगलों में आग लगती है। लेकिन आग लगे पेड़ के पत्ते ना जलें। मूसा पास गया तो प्रभु ने कहा मूसा इधर आओ, पहले अपने चप्पल उतार के उधर डालो क्योंकि मैं यहाँ हूँ, इस कारण ये ज़मीन पवित्र है। चप्पल उतार के मूसा पास गया तो प्रभु ने बताया मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने तुमको चुना है कि तुम यहाँ से वापस इजिप्ट मिस्र देश में जाओ जहाँ पर मेरे भक्त मेरे बच्चे सताए जा रहे हैं, उनको छुड़ाओ और उनको छुड़ा कर मिस्र देश से वापस लाओ। इतना हमने पिछले हफ्ते देखा था। मैंने इससे ये बात आपको याद दिलाई थी कि हम में से हर एक के जीवन में प्रभु की कोई ना कोई इच्छा है, प्रभु क्या कहते हैं उस रास्ते पर चलना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मूसा ने एकदम से प्रभु ने जब कहा कि जाओ और मेरी प्रजा को छुड़ाओ, तो मूसा का जवाब जरा देखिए। बाइबल के निर्गमन नामक पुस्तक के 3:10 से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। निर्गमन 30:10, Exodus 3:10, वहाँ हम देखते हैं, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ जिससे कि तुम मेरी प्रजा को मिस्र से निकाल कर बाहर आओ।
मूसा ने प्रभु से कहा, मैं कौन हूं प्रभु जो फिरौन के पास जाऊं? प्रभु ने मूसा को जवाब दिया, मैं इस संसार का सृष्टिकर्ता जिसने इस पूरे विश्व की रचना की है, मैं भेज रहा हूं तुमको। तो मूसा ने कहा, प्रभु फिरौन का बादशाह, उसके सामने मैं यूं खड़ा होऊंगा तो पूछेगा कि तुझे किसने भेजा है, मैं क्या जवाब दूंगा? तब भी प्रभु ने कहा, उसको जाकर कहना कि जिस ईश्वर ने इस सारे संसार की रचना की है, उस प्रभु ने मुझे भेजा है कि प्रभु की प्रजा को मैं यहाँ से छुड़ाकर, गुलामी से छुड़ाकर ले जाऊं। मूसा ने फिर पूछा कि इतना बड़ा बादशाह, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, जब मुझसे पूछेगा कि इस बात का क्या प्रमाण है कि ईश्वर ने तुमको भेजा है, तो हे प्रभु मैं क्या जवाब दूंगा? कई बार जब प्रभु हमको किसी कार्य के लिए बुलाते हैं, तब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। प्रभु ने मूसा को जवाब दिया जो इस तरह से है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चौथे अध्याय में उसके दूसरे पद में हम देखते हैं, प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे गडरिये के हाथ में क्या होगा, लाठी। मूसा ने जवाब दिया, प्रभु ये तो लाठी है। प्रभु ने कहा, उसे भूमि पर डाल दो। मूसा ने लाठी को, उसने सोचा कि लाठी को जमीन पर डालने से क्या होगा, उसने लाठी जमीन पर डाल दी। और आप जानते हैं, ये मध्य पूर्व में जो गडरिये लोग हुआ करते थे, उनकी लाठी उनसे भी ज़्यादा ऊंची होती थी, तो मतलब एक 7-8 फुट लंबी लाठी थी। तो उसने वो 7-8 फुट लंबी लाठी जमीन पर डाली, और बाइबल में लिखा है कि वो एक सांप बन गया, 8 फुट का सांप। अरे 8 फुट छोड़िए, 8 इंच का सांप यदि आपके सामने एकदम से प्रकट हो जाए, तो आप जान लेकर वहां से भागेंगे। और यहाँ वो लाठी 8 फुट लंबा सर्प बन गई, और यहाँ लिखा हुआ है कि मूसा उसके सामने से भागा। जब तक वो लाठी थी तब तक तो उसकी थी, लेकिन जब वो सांप बन गया तो वो जान बचा के भागा। प्रभु ने कहा, रुको। प्रभु ने कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ लो। देखिए, एक तो 8 फुटा सांप, और उसके बाद प्रभु की आज्ञा की जाके उसकी दुम पकड़ लो। सांप की दुम पकड़ लो तो बाकी जो 6.5 फुट जो पोर्शन बचा है, उसमें वो वापस आके आपको जरूर डस लेगा। लेकिन मूसा को ये बात समझ में आ गई कि उसको प्रभु ये आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए मूसा ने जाकर उस 8 फुटे के दुम को पकड़ लिया, और जैसे ही उसने उसके दुम को पकड़ लिया, वो फिर से लाठी बन गई। प्रभु ने कहा, तुम जब उस दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक के सामने खड़े होगे, और जब उससे पूछोगे, उससे कहोगे कि प्रभु कहते हैं मेरी जनता को भेज दो, और जब वो पूछे क्या गारंटी है, मुझे कैसे पता चले कि तुमको प्रभु ने भेजा है, तो ये लाठी उसके सामने डाल देना और वो समझ जाएगा। मूसा ने इसके बाद प्रभु से और भी कई बातें बोली, प्रभु ने मूसा को कई बातें बताई। इस तरह से प्रभु ने उसको 3 चिन्ह दिए। अब जाओ, तो मूसा फिर वहां खड़े होकर गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु मैं बोलता हूं तो बोली ठीक से नहीं आती है। देखिए, कई बार प्रभु जब हमको एक जिम्मेदारी देते हैं, हम में से हर व्यक्ति जीवन में बड़ा बनना चाहता है, लेकिन जब जिम्मेदारी देते हैं तो कई बार हमको लगता है कि हे प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने हम में से हर एक को जिम्मेदारी दी है। एक छोटी सी बात ली जाए तो इस तरह की एक सभा जिसमें एक 40-50 लोग एकत्रित होते हैं, या 30-40 लोग एकत्रित होते हैं,
हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, लेकिन सभा ऐसे थोड़ी होती है, कोई आकर इस हॉल को साफ करता है, कुर्सियां जमाता है, जो कुछ तैयारी करनी है वो तैयारी करता है, उधर चाय के लिए पानी पतीले पर चढ़ा देता है, और कोई जाकर लोगों को बुलाकर लाता है, और कोई खान पान की चीज़ें लाता है, कुछ लोग खड़े होकर अगुवाई करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती है। जब ये सारी बातें एक साथ हों तभी इस तरह की सभा चल पाती है। प्रभु ने तो मूसा से एक बहुत बड़े राष्ट्र की अगुवाई के लिए कहा था, और जब एक सभा के लिए इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो एक राष्ट्र की अगुवाई के लिए जब प्रभु किसी को बुलाते हैं तो ये बात जरूरी है कि प्रभु ने जो कुछ बोला है, जैसा बोला है और जैसा करने को कहा है वैसा ही मूसा करे। तो पहले तो मूसा ने एक्सक्यूज बहाना बनाया, यदि वो पूछे कि मैं कहाँ से, क्या गारंटी है, तो प्रभु ने उसको तीन चिन्ह दिए। फिर मूसा ने एक बात कही जो प्रभु ने जिसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। दसवें पद में हम पढ़ते हैं, मूसा ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूं, मतलब बोलने की कोशिश करता हूं तो हकलाकर बोलता हूं। प्रभु ने कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ प्रभु को छोड़कर कौन बनाता है? तब प्रभु का क्रोध मूसा पर भड़का। जिस आदमी को प्रभु 80 साल से ट्रेन कर रहे थे, 10 या 20 साल नहीं, जो 3 साल अपनी यहूदी माँ के साथ रहा, 37 साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के महल में रहा, और उसके बाद 40 साल जिसने क्षमाशीलता का पाठ प्रभु से डायरेक्टली सीखा, वो व्यक्ति 80 साल की उम्र में जब उसको जिम्मेदारी दी गई तो पहले उसने एक बहाना बनाया, उसके बाद दूसरा बहाना बनाया, जब प्रभु ने दूसरे बहाने का जवाब दिया तब उसने तीसरा बहाना बनाया, और जब तीसरा बहाना बनाया तो प्रभु क्रोधित हो गए, मुंह किसने बनाया? अरे तुमको मैंने मुंह दिया है, दूसरे से मुंह मैं छीन लेता हूं, ये मेरी शक्ति है, और इस कारण मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं, और मैं किसी भी व्यक्ति की किसी भी कमजोरी को दूर कर सकता हूं, जब मौका आएगा मैं दूर कर सकता हूं, ये प्रभु की वाणी थी। इतना सुनने के बाद भी मूसा, जब उसने एक्सक्यूज बोला तो प्रभु ने एक काम किया कि मूसा की मदद के लिए मूसा के भाई को भी मूसा के साथ कर दिया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कम से कम 3 हफ्ते से मैं ये बात याद दिलाता आया हूं कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु ने एक उद्देश्य के साथ बुलाया है। आप कहेंगे, शास्त्री सर आपको बुलाया होगा इसलिए कि आप इस तरह की सभाओं में खड़े होकर प्रभु के वचन से प्रभु की वाणी हमको सुनाते हैं। जो लोग प्रभु की वाणी दूसरों को सुनाने के लिए बुलाए गए हैं उन लोगों के बारे में हमें यकीन है कि प्रभु ने उनको बुलाया है, लेकिन मैं क्या हूँ? मेरी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, मैं तो बस मजदूरी करता हूँ या कोई छोटा मोटा काम करता हूँ, अपने देश से दूर जाकर परदेश में नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ लोग ना तो मेरी भाषा बोलते हैं ना मेरे समान खाना खाते हैं, ऐसे देश में मेरे लिए प्रभु की क्या इच्छा है? ऐसा कभी ना सोचें, बहुत गलत तरीका है सोचने का। यदि आप प्रभु के बच्चे हैं, यदि आप प्रभु की संतान हैं, तो आप चाहे राजा हो, चाहे रंग मतलब कंगाल,
या जिसने सब कुछ त्याग दिया है, फकीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए प्रभु की एक इच्छा है और वो इच्छा पहचान कर आपके जीवन में वो इच्छा पूरी हो, इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। जब भी मैं ये बात बोलता हूँ तो बार बार मुझे एक सत्य घटना याद आती है। आज से लगभग 70-80 साल पहले इंग्लैंड में एक कन्या का जन्म हुआ जो बुद्धि से विकलांग थी, मेरे आपके समान बोल नहीं पाती थी, दूसरों के साथ रिलेट नहीं कर पाती थी और इस कारण ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। उसके माँ बाप ने घर बुलाकर एक ट्यूटर की मदद से उसको भाषा सिखाई। कभी भी वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, कभी भी वो नौकरी कर नहीं पाई और समाज में लोग उसकी उपेक्षा करते थे। आपने यदि ऐसे लोगों को देखा है जो बुद्धि से विकलांग हैं तो वे सामान्य लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसी इस कन्या को उसके माँ बाप ने जो भी प्राइवेटली सर्वोत्तम ट्रेनिंग दे सकते थे वो ट्रेनिंग दी, लेकिन कभी भी वो समाज में जुड़ नहीं सकी। कुछ समय के बाद उसकी माँ को ये लगा कि ये बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करती है, तो माँ ने उसको तमाम बुक्स से लाद दिया। सुबह से शाम तक बैठकर वो बुक्स पढ़ती थी, बहुत दुनिया के इतिहास के मामले में, दुनिया के अन्य बातों में उसकी जानकारी बहुत बढ़ गई। तब उसने एक बार माँ से रिक्वेस्ट किया कि उसको लिखने के लिए पेपर दिया जाए। माँ ने उसको बहुत सारा पेपर लाके दिया, पेन लाके दिया। उसने ये भी रिक्वेस्ट किया कि उनके घर का जो सिटिंग रूम है, उस सिटिंग रूम का रूम की एक खिड़की, काफ़ी बड़ी खिड़की, वो सड़क की तरफ खुलती थी। उसने माँ से रिक्वेस्ट किया कि उसको व्हील चेयर पर उस खिड़की के पास बैठा दिया जाए। माँ ने सोचा कि यदि बेटी वहाँ बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखकर दिन भर व्यस्त रहे तो ये अच्छी बात है, और इस कारण माँ ने उसको वहाँ बैठा दिया। रोज़ माँ उसको बिल्कुल तैयार करके सुबह वहाँ बैठा देती थी। वो वहाँ बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखकर मुस्कराने लगी। कुछ समय के बाद लोगों ने देखा कि ये बालिका जो शायद बुद्धि से कम है वो कितने प्यारे तरीके से मुस्कराती है हमको देखकर, तो उन्होंने भी मुस्कराना शुरू किया। जब लोगों ने मुस्कराना शुरू किया तो उसने लोगों को विश करना शुरू किया। कुछ समय के बाद लोगों ने उसको पलटकर विश करना शुरू किया। एक लड़की जो बुद्धि से कमज़ोर है, किस तरह से उसने समाज में अपने लिए एक स्थान बना लिया। इसके कुछ समय के बाद उसने एक काम और किया, दिन में जो फ्री टाइम उसको मिलता था उस समय बैठकर वो लिखने लगी। और उसके बाद लोग जब उसको टाटा करते थे तो वो उन लोगों को हाथ का लिखा हुआ ये पर्चा देने लगी। अब ये उसका नियम बन गया कि रोज वहाँ से जो लोग जाए उनको जितना वो लिख पाती थी वो उनको दे दे। इस पर्चे में क्या रहता था? इस पर्चे में प्रभु यीशु के द्वारा हम जो नया जीवन पा सकते हैं, जो प्रभु हमको देते हैं, उसका वर्णन था। इस तरह से जो लोग बुद्धि के मामले में विकलांग होते हैं उनमें से कई लोग बहुत ज़्यादा लंबी उम्र नहीं जीते हैं, और मेरा अनुमान है, ये घटना मैंने आज से 40 साल पहले पढ़ी थी, मेरा अनुमान है कि लगभग 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जब मृत्यु की घटना शहर में फैली तो लगभग सारा शहर वहाँ उसको देखने के लिए उमड़ आया। उस शहर में इस तरह का
एक क्या कहना चाहिए, किसी ने नहीं देखा था कि किसी मृत्यु पर इतने सारे लोग आए। लोगों ने खड़े होकर एक एक करके बोलना शुरू किया, इस बालिका ने मुझे जो पर्ची दी थी उस पर्ची को पढ़कर मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, मेरे जीवन में एक नई खुशी है। ऐसा अनुमान है कि बुद्धि से विकलांग उस बालिका ने 40 साल की उम्र में इस संसार को छोड़ने से पहले लगभग 900 लोगों को प्रभु के पास आकर्षित किया, या 900 लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। जरा सोचें, एक मानसिक विकलांग व्यक्ति समाज में उसकी क्या स्थिति होती है, नौकरी नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है, शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है, समाज ऐसे लोगों को बेकार समझता है। लेकिन उसको भी प्रभु ने बुलाया था और वो इस बात को समझ गई थी कि मुझे प्रभु ने बुलाया है। और जब उसने सैकड़ों या हजारों में किताबें पढ़ी और जब उसको ये बात ये लगा कि मैं भी लिख सकती हूँ, तो अपनी लेखनी के द्वारा उसने अगले लगभग 20 साल में या 25 साल में जो 10,000 में हाथ के लिखे हुए पर्चे बांटे, उसके द्वारा कम से कम 900 लोग प्रभु के पास आए। मैं और आप तो बुद्धि से नॉर्मल हैं, शरीर से नॉर्मल हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा हैं, अपने पैर पे खड़े हैं। यदि स्वयं के जीवन में प्रभु की इच्छा को समझकर बुद्धि से विकलांग एक बालिका यदि वो 900 लोगों को प्रभु के पास ला सकती है, तो मेरे और आपके जीवन यदि इस जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दें, तो इस जीवन के द्वारा प्रभु क्या नहीं कर सकते हैं। ये दो बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, मूसा के समान ये ना कहें कि हे प्रभु मैं हकलाता हूं, किसने मनुष्य को बनाया। एक व्यक्ति को अच्छी वाणी प्रभु देते हैं, एक व्यक्ति को बुद्धि से विकलांग प्रभु बनाते हैं, क्योंकि हर एक के लिए प्रभु की अलग अलग इच्छा है। और जब मूसा ने पूछा कि प्रभु वो बादशाह वो मेरी बात मानेगा क्या कि मुझे प्रभु ने भेजा है, क्या प्रमाण है, तो प्रभु ने उसको 3 प्रमाण दिए। यदि मैं और आप इस बात को समझ जाते हैं कि मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया है, और यदि हम ये समझ जाते हैं कि किस लिए बुलाया है, तो उसके साथ साथ उस कार्य को करने के लिए जो कुछ चाहिए वो प्रभु देंगे, जो कि मूसा की घटना से हम देखते हैं, जो मैंने आधुनिक जगत से आपको बात बताई है। आज इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले एक तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए प्रभु के वचन से एक उदाहरण मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नए नियम के रोमियों की पत्री के पहले अध्याय के 16वें पद में हम पढ़ते हैं, जिनके पास बाइबल्स नहीं है वे सिर्फ सुन लें, मैं शुभ संदेश से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने के लिए उद्धार के निमित्त, मुक्ति के निमित्त ईश्वर की सामर्थ को प्रकट करती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है ना, कुछ समझ में आया? काफ़ी लंबा वाक्य है, इसलिए हो सकता है एकदम से समझ में ना आए, लेकिन इस वाक्य में जो बात कही गई है वो मैं जरा समझाना चाहता हूँ। और वो ये है कि प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया है, और वो संदेश दूसरों तक पहुँचाने के लिए या पहुँचाने में मुझे बिल्कुल लज्जा नहीं है। प्रभु के हर बच्चे का सोचना ये होना चाहिए। क्या संदेश क्या है, वो है जो तीसरी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो संदेश ये है कि प्रभु मनुष्य की सृष्टि प्रभु ने इसलिए की
कि मनुष्य प्रभु के साथ संगति में रहे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर बहुत ही कोई भयानक व्यक्ति है जो जबरदस्ती हाथ में डंडा लिए हुए बैठा है कि किसको कब क्या सजा दे। नहीं, प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को याद दिलाते हैं, याद दिलाता है कि प्रभु प्रेम है। इसका क्या मतलब है प्रभु प्रेम है का? मतलब यह है कि प्रभु जबरदस्ती आपके जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, क्या गलती हुई है, क्या लापरवाही हुई है, उसको ढूंढ ढांड कर जबरदस्ती आपको सजा देने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रभु की कोशिश हमेशा यह रहती है कि आपको अपने पास वापस ले जाएं। गलती हम सबसे होती है, पाप हम सब करते हैं, लेकिन प्रभु हमको त्याग नहीं देते हैं। आप लोग इस बात को जानते हैं, आप में से कुछ लोग शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, कुछ प्रभु ने मदद की तो जल्दी ही शादीशुदा हो जाएंगे। मैं शादीशुदा हूँ, दो बच्चे पाले हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिता जब भी बच्चे गलती करते हैं तो नाराज होते हैं, कई बार सजा भी देते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा पिता हमेशा डंडा लेकर नहीं बैठा रहता कि अगली गलती कौन सी है बेटा, आज मैं तुमको मार पीट के अधमरा कर दूंगा। नो नो नो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक पिता जब बच्चे की गलती देखता है तो सजा देता है, लेकिन जब वो सजा देता है तो उसका दिल रो देता है। पिता तो चाहता है कि बच्चा अच्छे से अच्छा कार्य करे। मैंने, मेरे दोनों बच्चे लगभग 18-20 साल तक घर पर रहे थे। बेटा तो शरारती था, उसको बाप का स्वभाव मिला था। बेटी है, जिद्दी थी, पता नहीं उसको माँ का स्वभाव मिला, पता नहीं किसका स्वभाव मिला, लेकिन हाँ, हमारे दोनों बच्चे दूध के धुले हुए नहीं थे। दोनों को सजा देनी पड़ती थी। लेकिन एक बात बताइए कि जीवन का ज्यादातर समय हम सजा में बिताते थे या प्यार में बिताते थे? प्यार में बिताते थे। मैं तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनको हाथ में लेकर नाचा करता था। आपको लगेगा कि शास्त्री सर नाचते थे क्या? हाँ हाँ, उसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मैं उनको हाथ में लेकर नाचता था। थोड़े से और बड़े हुए तो सेंटर टेबल पर खड़ा करके नाचता था, उनको अपने कंधे पर बैठा कर भागता था, नाचता था। मैं तो एक सांसारिक पिता था, पिता हूं। मेरा बेटा अक्सर मुझसे कहता था, अभी मैं छोटा हूं, आप मुझे गोदी में लिए फिरते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप छोटे हो जाएंगे और मैं आपको गोदी में लिए फिरूंगा। वो बड़ा हो गया, मैं छोटा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं उससे कमजोर हो गया हूं, तो जब जरूरत पड़ती है तो वो मुझे लेकर फिरता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं तो बहुत कठोर पिता था। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, मेरे फादर बेल्ट उतार कर मेरी पिटाई करते थे। मैं इतना जिद्दी था, शरारती था, मैं बेल्ट नहीं पहनता था, इसलिए मैंने तो तार का एक टुकड़ा घर पे टांग रखा था कि बच्चू इसको देख लो, अगली शरारत पे ये जो है इसका सेवन तुम्हारे आसन पर करेंगे। बहुत कड़ा पिता था, और मैंने दोनों बच्चों को अच्छी तरह से जो है उसकी सेवा करवाई थी। लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या बच्चों के प्रति मेरा प्रेम? अरे, उसकी जरूरत तो कभी कभी पड़ती है, और वो भी प्रेम के कारण बच्चों को सुधारते हैं। लेकिन एक सांसारिक पिता, मुझ जैसा इम्परफेक्ट अपूर्ण पिता, मेरे जीवन में भी बच्चों के प्रति प्रेम ज्यादा है, नाराज होना सजा कम है। इवन 1% समय सजा में नहीं बिताते हैं।
99.99% बच्चों के साथ प्यार में बिताते हैं। तो यदि एक सांसारिक पिता ऐसा करता है तो हमारे आसमानी पिता कितना अधिक प्रेम करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा जिनके द्वारा मैं और आप नया जीवन पा सकें। यह है वो तीसरी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपके मन में इस तरह की कोई गलतफहमी है कि ईश्वर तो बहुत क्रोधी और कोप करने वाले व्यक्ति हैं जो जबरदस्ती मुझे समाप्त कर देंगे, नहीं। गलती करने वाले को ईश्वर सजा देते हैं, लेकिन यदि एक दुनियावी माँ बाप अपने बच्चे से जान से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो ईश्वर तो उससे ज़्यादा, प्रभु उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये बात आज शाम को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उस प्रेम के कारण मनुष्य को एक नया जीवन देना चाहते हैं। नया जीवन क्यों? नए जीवन की ज़रूरत क्या है? उसका कारण यह है कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन ये संसार छोड़ कर जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, कहाँ जाएंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आज हमने क्या चुनाव किया है, क्या चॉइस किया है। आपने प्रभु को चुना है या अपने रास्ते पर चलने को चुना है? यहाँ जब हम प्रभु के वचन से हमने ये जो पोर्शन पढ़ के सुनाया, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु ने अपनी सारी ताकत मुझे और आपको बचाने के लिए दे दिया, लगा दिया। अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा कि मुझे और आपको एक नया जीवन दे सके। अच्छा, आप कहेंगे कि शास्त्री सर, उस नए जीवन को पाने के लिए क्या खर्च करना पड़ेगा? दुनिया में हर चीज़ के लिए खर्च करना पड़ता है ना? लेकिन प्रभु जो मुझे और आपको देना चाहते हैं उसके लिए फूटी कौड़ी का खर्चा नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, जाइए प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैं इस बात को आज पहचान गया हूँ कि आपने मेरे लिए अपना जीवन सूली पर कुर्बान कर दिया, मैं उस कुर्बानी को ग्रहण करता हूँ, मैं आपको अपना मुक्तिदाता मान लेता हूँ। उस दिन आपके जीवन में एक नई खुशी, एक नई शांति आ जाएगी, आप ईश्वर की संतान बन जाएंगे। ये सभा जो है इसमें से आगे से लेकर कई भाई लोग, ये सब लोग इस जीवन का अनुभव कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ। मैं क्यों आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ? ये संदेश देने के लिए मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ना ही मुझे कोई डिग्री मिलती है, ना ही मुझे किसी तरह का प्रमोशन मिलता है। तो सवाल यह है कि संडे आफ्टर संडे मैं क्यों यहाँ आता हूँ? एक कारण, मैंने जीवन में जो पाया है वो यदि मैं आपको नहीं बताऊंगा तो बड़ा अपराध होगा। इसलिए मैं हर संडे यहां आता हूं जिससे कि मैं आपको बता सकूं ईश्वर प्रेम है, वो आपको बचाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। प्रभु के बलिदान के कारण आप उस नए जीवन को प्रभु से एक गिफ्ट के रूप में पा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि कोई भी भाई या कोई भी बहन प्रभु से इस वरदान को पाए बिना आज इस हॉल को छोड़कर ना जाए। आप कहेंगे कि लेकिन ये तो बड़ी नई बात है, मैं इसके बारे में कुछ और समझना चाहता। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप समझना चाहते हैं तो समझाने के लिए यहाँ कई भाई और कई बहन लोग हैं जो बहुत ही डिटेल में आपको सारी बातें समझा देंगे। बस मुंह खोलकर पूछने की ज़रूरत है कि मुझे ज़रा समझा दीजिए। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करे। मैं कंक्लूशन में, सारांश के रूप में फिर से याद दिलाना चाहता हूँ
आपने यदि प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन पाया है तो आपके जीवन के प्रति प्रभु की एक इच्छा है, उस इच्छा को समझकर प्रभु के पास आकर उस इच्छा को पूर्ण करने में आप लगे रहें, जुटे रहें। आप बुद्धिमान हो बुद्धि ना हो, पढ़ाई हो अपढ़ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो विकलांग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज दुनिया में प्रभु के लिए सबसे ज्यादा जिन लोगों ने किया उनमें से कई अंधे थे, कई बहरे थे, कई के हाथ नहीं थे, कई के पैर नहीं थे। कई लोगों को डॉक्टर ने बता दिया था कि अब तुमको सिर्फ 6 महीने का जीवन बचा हो, तुम्हारे लिए बचा हुआ है, लेकिन उनमें से हर व्यक्ति ने अपने आप को समर्पित किया और उनको जो चाहिए था प्रभु ने दिया, और प्रभु ने बहुत ही शक्तिशाली तरीके से उनका उपयोग किया। दूसरी बात, यदि आपने प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु ने गिफ्ट के रूप में ये जो नया जीवन दिया है इसको नहीं पाया है, मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन, इस हॉल को छोड़कर ना जाए, उस नए जीवन को पा लें। आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह दे। आज प्रभु ने इस तरह से अपन सबको आने की मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह की।